5. तुम हिंदुस्तानियों की अकड़ कभी नहीं जाएगी. 4. मुझे हमारा बेस्ट फाइटर पायलट इस वक्त आसमान में चाहिए. 3. अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है. इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू. हमारी बहू. तो दोस्तों, बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन और बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और फाइटर के कलेक्शंस में इस हफ्ते भी काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला है. और दोस्तों, ऑडियंस इन दोनों ही फिल्मों को इस हफ्ते भी काफी प्यार देती हुई नजर आ रही है. लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही फिल्मों ने अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर ली है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं. साथ ही साथ बात करने वाले हैं यहाँ पर सुपरस्टार सनी देओल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की रिलीज में अब रोक भी लग सकती है. तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम इन तीनों ही फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन और सनी देओल के डाहार्ट फैंस हैं और इनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि सिर्फ 10 दिनों में ही 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और इस साल इंडियन सिनेमा के लिए और शाहिद कपूर के लिए एक पहली सुपरहिट फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अमित जोशी और आराधना शाह के डायरेक्शन में बनने वाली तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक लव स्टोरी फिल्म है, जिसमें आपको शाहिद कपूर और कृति सेनन की जोड़ी पहली बार देखने को मिली है. इस फिल्म को दोस्तों 75 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में 3500 स्क्रीन्स दी गई थी. इन 3500 स्क्रीन्स पर दोस्तों, इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 6,70,00,000 रुपए की ओपनिंग ली और सभी हेटर्स की बोलती बंद कर दी, तो वही दोस्तों अपने 3 दिनों के वीकेंड में इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 27 करोड़ रुपए. दोस्तों, शाहिद कपूर की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रेटिंग्स दी. लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी शाहिद कपूर की इस फिल्म को ऑडियंस का जिस तरह का प्यार मिला, वो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित करने में कामयाब रहा. अपने पहले ही हफ्ते में दोस्तों, इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ रुपए कमा लिए थे और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी. तो वही दोस्तों, अपने दूसरे हफ्ते की भी शुरुआत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ की और दोस्तों, इस फिल्म ने जहां अपने 8वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया, तो वहीं दोस्तों कल अपने 9वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 60 से 65% की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए हैं 4,80,00,000 रुपए. इन 4,80,00,000 के साथ इस फिल्म का जो टोटल है वो 52 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है और इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म शाहिद कपूर के कैरियर की 6ठी हाईएस्ट ग्रोसर बन चुकी है. तो वहीं दोस्तों, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कल के कलेक्शंस के साथ ही 92 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है. लेकिन अगर बात की जाए आज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि शाहिद कपूर की ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 10वें दिन एक बार फिर से काफी अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है. आज के एडवांस बुकिंग में ही दोस्तों, इस फिल्म के 30% से ज्यादा की ग्रोथ थी और इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 1,30,00,000 रुपए कमा लिए थे. मॉर्निंग से ही दोस्तों, ये फिल्म आज भी 18 से 25% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है. ये फिल्म दोस्तों आज अपने 10वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 58 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों, ये फिल्म 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी होगी. दोस्तों बताते चले आपको कि शाहिद कपूर की इस फिल्म का बजट 75 करोड़ का था, ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट ट्रेंड कर रही है. लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म फाइटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइटर, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण की भी पहली बार जोड़ी नजर आई है, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है सिद्धार्थ आनंद ने. सिद्धार्थ आनंद जो कि इंडियन सिनेमा को कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, उनके ही डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से ज्यादा का था और यह फिल्म ऑल ओवर इंडिया में 25 जनवरी को 4500 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी. 4500 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली दोस्तों, इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 24 करोड़ रुपए की ओपनिंग ऑल ओवर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ली, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर से यह फिल्म 37 करोड़ रुपए कमा चुकी थी. लेकिन दोस्तों, उसके बाद इस फिल्म के भी कलेक्शंस में काफी अच्छा हाइक अपने वीकेंड में देखने को मिला और इस फिल्म ने 4 ही दिनों के वीकेंड में 123 करोड़ रुपए कमा लिए थे. दोस्तों, ऋतिक रोशन की इस फिल्म के लिए भी ऑडियंस के बीच में
मिक्स टॉक देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों ऋतिक रोशन के स्टारडम और फिल्म को मिली हुई अच्छी रेटिंग्स की वजह से इस फिल्म ने वीक में भी अपने 151 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे वीक में 41 करोड़ रुपए कमाए, तो वही दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते में ये फिल्म लगभग 15 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। तीन हफ्तों के साथ ही इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 207 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुके थे, लेकिन दोस्तों अपने चौथे वीकेंड में भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से मिल रहे कॉम्पिटिशन के बावजूद भी इस फिल्म ने जहां अपने 23वें दिन 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया, तो वहीं दोस्तों कल अपने 24वें दिन यह फिल्म 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही। इन 2 करोड़ के साथ ही इस फिल्म का टोटल 210 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका था। आज के कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों यह फिल्म आज भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है और आज के भी कलेक्शंस 2,70,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। ऐसे में यह फिल्म 212 से 213 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 25 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 362 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि 200 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म को भी पहले तो क्रिटिक्स और हेटर्स फ्लॉप बता रहे, लेकिन दोस्तों अब उन सभी की बोलती बंद हो चुकी है क्योंकि दोस्तों फाइटर भी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो चुकी है। अब बात कर ली जाए दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक लाहौर 1947 के बारे में, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा की जोड़ी एक बार फिर से नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन करने वाले हैं राजकुमार संतोषी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राजकुमार संतोषी इससे पहले कई सारी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, तो वहीं दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल ने लास्ट ईयर ही गदर 2 की सुनामी के साथ बॉलीवुड इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। अब दोस्तों इन दोनों ही एक्टर और डायरेक्टर का बेहतरीन कोलैबोरेशन हमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल के लास्ट में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में रिलीज वाली है। 1947 की कहानी तो काफी तगड़ी होगी, लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म से जुड़ी जो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है वो यही है कि इस फिल्म में दोस्तों विलेन के तौर पर आपको अभिमन्यु सिंह देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर है। और दोस्तों अभिमन्यु सिंह ने जिस फिल्म में विलेन का कैरेक्टर निभाया है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। साथ ही साथ दोस्तों सनी देओल की इस फिल्म में आपको एक बार फिर से उनकी जोड़ी प्रीति जिंटा के साथ देखने को मिलने वाली है और आमिर खान का इस फिल्म में हमें कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म से पहले दोस्तों कई सारी फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी कर चुके संतोष शिवान इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करने वाले हैं और दोस्तों उन्होंने इससे पहले कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की है और दोस्तों करेंटली वो इंडिया के टॉप सिनेमेटोग्राफर है। इसी के अलावा दोस्तों एक बड़ी अपडेट जो इस फिल्म को लेकर निकल कर आ रही है वो ये है कि इस फिल्म के मेकर्स यानी कि दोस्तों राजकुमार संतोषी को 2 साल की सजा हो चुकी है और दोस्तों अब हो सकता है कि इस फिल्म की रिलीज में कुछ दिनों का समय और लग जाए, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की रिलीज फिलहाल में रोक दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि एक चेक बाउंस के केस में यहाँ पर राजकुमार संतोषी को 2 साल की सजा हो चुकी है, जिसको लेकर कल ही हाईकोर्ट में ये सजा सुनाई गई है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों राजकुमार संतोषी की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल में पोस्टपोन्ड हो जाएगी और दोस्तों सनी देओल और प्रीति जिंटा की इस जोड़ी को एक बार फिर से देखने का हमारा जो सपना है वो अब अधूरा रह जाएगा। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर है यहाँ पर सुपरस्टार आमिर खान और इस फिल्म में लीडिंग एक्टर है सुपरस्टार सनी देओल। ये दोनों मिलकर जो भी फाइन और पेनल्टी यहाँ पर राजकुमार संतोषी के नाम पर आ रही है उसे पेड कर दे तो राजकुमार संतोषी इस फिल्म को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों यही कहूंगा कि कुछ दिन के लिए तो इस फिल्म की जो शूटिंग है रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बनेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।